कर्नाटक में 21 दिन रहेगी यात्रा, 7 जिलों से गुजरेगी पद यात्रा, कर्नाटक में 511 किलोमीटर की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में दाखिल हुई तो ये सवाल उठा कि क्या राज्य कांग्रेस का सिर फुटौल इस पर भारी पड़ेगा, लेकिन कम से कम यात्रा की शुरुआत में कांग्रेस एकजुट दिखती है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि कर्नाटक में इस यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस मौके पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि मैं ये साफ चेतावनी दे दूं कि ये कोई पिकनिक नहीं होगा। मौसम चाहे जैसा भी हो, हम रोजाना 20 किलोमीटर चलेंगे। हम समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलेंगे और उनका दुख दर्द जानेंगे। उन्होंने इसके आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने पर आप ये समझेंगे कि बेहतर भविष्य मुमकिन है। आप ये मानने लगेंगे कि 40% भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है। हमें हमेशा ही बेरोजगारी के कष्ट में नहीं रहना है। आप ये भी मानने लगेंगे कि आपकी प्यारी भूमि आपके लिए रोजगार के मौके बना सकती है। पदयात्रा अपने 21वें दिन केरल की सीमा पर स्थित चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट से होते हुए कर्नाटक में दाखिल हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा को 21 दिन में लगभग 511 किलोमीटर का सफर तय करना है। कर्नाटक में 7 जिलों की यात्रा कर वो अगले चरण में तेलंगाना जाएंगे। बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3,570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। गुजरात इस यात्रा में शामिल नहीं है।